15 लाख उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता को बिना भेदभाव के उपलब्ध करवाने का कार्य किया जा रहा है। और इसीलिए तो आज मुझे बरेली आना पड़ा आपसे कहने के लिए कि उत्तर प्रदेश वर्तमान में दो बड़े कार्यक्रमों को लेकर के आपके पास आ रहा है। एक, जैसे नवल इंजन की सरकार नए नए कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रही है, शहरी जीवन में व्यापक परिवर्तन हो, लोगों को बुनियादी सुविधाएं मिले, स्ट्रीट लाइट में समृद्धता दिखाई दे, लोगों के जीवन को, इस ऑफ लिविंग को और आसान किया जा सके, एक तरफ इन सभी कार्यक्रमों के साथ सरकार आपको जोड़ने के लिए एक विराट कार्यक्रम के साथ आगे बढ़ा रही है। स्मार्ट सिटी के साथ साथ स्मार्ट युवा युवती के अंदर दिखाई दे, 2 करोड़ युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट के साथ उनका लाभ देने की कार्रवाई वर्तमान में गतिमान है। एक ओर सरकार इस दिशा में प्रयास कर रही है तो भाइयों बहनों, दूसरी ओर सरकार ने इस कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाया है। कार्यक्रम के तहत जहां पर शासन की योजनाओं का लाभ हर एक व्यक्ति तक भ्रष्टाचार मुक्त की व्यवस्था से अलग करते हुए एक ट्रांसपेरेंट तरीके से, पारदर्शी तरीके से प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच सके, इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने की कार्रवाई जहां पूरी ईमानदारी के साथ सरकार आगे बढ़ा रही है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक बसेज की सुविधा शहरी क्षेत्रों में बदलते हुए जो कार्यक्रम है, एक ओर दिशा में सरकार का पूरा ध्यान है तो दूसरी ओर सरकार ने अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है। और वह कार्यक्रम है कि उत्तर प्रदेश को देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ाना है। भाइयों बहनों, आपने यहाँ पे चैंबर ऑफ इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष की बातों को सुना होगा, उन्होंने कैसे किस तरीके से प्रदेश में परिवर्तन हुआ है। आज आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की चर्चा पूरे देश के अंदर होती है, हर व्यक्ति इस बात को मानता है। कभी दंगे होते थे, कभी कर्फ्यू लगता था, इस बरेली में 12 से 17 के बीच में आपने देखा होगा कई कई महीनों तक कर्फ्यू लगा रहा, लेकिन पिछले 2017 से 22 के बीच में एक भी बार बरेली के अंदर कर्फ्यू नहीं लगा है, एक भी बार आपके पर्व और त्योहारों में कोई व्यवधान डालने की सर्वसाहस नहीं कर पाया है। ये बदलता हुआ उत्तर प्रदेश है, यहाँ दंगों के लिए और कर्फ्यू के लिए जगह नहीं, ये उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य होने के साथ साथ आज निवेश के सबसे बड़े गंतव्य के रूप में भी उभरा है। और निवेश के सबसे बड़े गंतव्य के रूप में उभरने के साथ ही देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए हम लोगों ने प्रदेश में एक बड़े इवेंट को 10 से 12 फरवरी के बीच में आयोजित किया है। और मैं इस अवसर पर बरेली से जुड़े हुए उद्यमियों से, व्यापारियों से, चिकित्सकों से, शिक्षकों से और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले उद्यमियों से, प्रगतिशील किसानों से, अपने युवाओं से मैं सबसे अपील करना चाहूंगा कि वे सभी लोग अपने आप को तैयार करें। उत्तर प्रदेश सरकार ने इन्वेस्टर फ्रेंडली 25 से अधिक अपनी नीतियां अब तक लागू की है और इन नीतियों को हम लोगों ने ऑनलाइन व्यवस्था के साथ जोड़ा है। कोई व्यक्ति निवेश करना चाहता है उसको एक बार आवेदन करें, मुख्यमंत्री कार्यालय स्वयं उनकी समीक्षा करता है और समयबद्ध तरीके से उन्हें नौकरी उपलब्ध करवाने के साथ ही जहां उसकी एमओयू होने के बाद भी मॉनिटरिंग होती है तो जैसे ही निवेश प्रारंभ होता है उसके साथ ही उसकी समीक्षा होनी प्रारंभ होती है और निवेश पूरा होने के बाद सरकार से मिलने वाला इंसेंटिव भी ऑनलाइन उस निवेशक के खाते में जाता हुआ दिखाई देता है। ये पूरी प्रक्रिया पूरी पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ाने का कार्य किया गया है और इसीलिए आप सभी प्रबुद्धजनों से मेरी अपील होगी कि एक तरफ हमें अपने नगरीय जीवन को आसान और सरल बनाने के लिए डबल इंजन के साथ चलने की आदत डालनी पड़ेगी,
यूनियन की स्पीड के साथ आगे बढ़ने के लिए उस प्रकार के बोर्ड के गठन के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। पिछले 5 वर्षों 7 वर्षों के अंदर जो कार्य हुए हैं इन कार्यों की स्पीड को थमने नहीं देना है, तो दूसरी तरफ निवेश के माध्यम से अपने शहर के अंदर भी अधिक से अधिक निवेश को आमंत्रित कर सके। कोई शिक्षा का केंद्र बनाएगा, कोई अच्छा चिकित्सालय या मेडिकल कॉलेज बनाएगा, कोई अच्छा विश्वविद्यालय बनाएगा, कोई उद्योग लेकर के आएगा, कोई कृषि के क्षेत्र में अच्छा एफपीओस का गठन करेगा, कोई फूड प्रोसेसिंग का अच्छा सेंटर स्थापित करेगा। अलग अलग जितने भी केंद्र स्थापित होंगे ये सभी व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ेंगे, तो निवेश के बेहतरीन गंतव्य के रूप में आपका बरेली भी आगे बढ़ेगा। आज भाइयों बहनों, बरेली की कनेक्टिविटी बेहतर हुई है, सड़क और ट्रेन की कनेक्टिविटी के साथ ही वायु कनेक्टिविटी के साथ आपका बरेली जुड़ा है, और आने वाले समय में बरेली के अंदर इस कनेक्टिविटी को और बेहतर करने की दिशा में सरकार कार्य कर रही है। बरेली के अंदर की तमाम परियोजनाएं पाइपलाइन में है, जिन्हें बहुत शीघ्र सरकार उन्हें लागू करने के लिए पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। और इस अवसर पर मेरी आप सबसे अपील होगी, आप सभी इन योजनाओं के साथ जुड़ करके बरेली को पर्यटन के, बरेली को निवेश के, बरेली को रोजगार के, बरेली को शिक्षा और स्वास्थ्य के एक बेहतरीन केंद्र के रूप में विकसित करेंगे। इस विश्वास के साथ नाथ नगरी से जुड़े हुए आप सभी प्रबुद्ध जनों का, बरेली वासियों का मैं एक बार फिर से अभिनंदन करते हुए 1400 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं के लिए आप सबको मैं एक बार फिर से बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त करता हूँ कि हमारे माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के आप बरेली को विकास और निवेश के बेहतरीन गंतव्य के रूप में आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद।